हेलो सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आज मैं लेने जा रहा हूँ प्रतिशत टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। ये पूरा का पूरा वीडियो हिंदी मीडियम में, आई एम मेकिंग दिस इन हिंदी मीडियम, ओके ऑल द क्वेश्चंस। तो सारे ही सवाल हिंदी में हम देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और 20% के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम कवर करेंगे पूरे। तो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100, तो 100 में से एक, जैसे कि मैं बोलता हूँ 1%, तो 1% को हमने लिखा 1/100, 1/100, 1 में से 100। प्रतिशत में एक शॉर्टकट चीज़ें आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, कोई भी प्रतिशत का अगर क्वेश्चन हम बोलेंगे, जैसे कि मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 1200, आई एम राइटिंग अ नंबर 1200, तो इस 1200 का 10%, 1% और 0.1% थोड़ी चीज़ें आप माइंड में कर सकते हो। माइंड कैलकुलेशन आपको याद रखनी है, माइंड कैलकुलेशन या शॉर्टकट ट्रिक, माइंड ट्रिक। क्या है ये माइंड ट्रिक, देखेंगे यहाँ पे। 1200 एक नंबर है, अगर आपको 10% निकालना है, 10% ऑफ 1200, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक अंक याद रखना है। व्हाट इज दिस एक अंक, ये क्या है, संख्या 1200 है, 1200 के एक अंक मतलब इधर से इधर, यहाँ पे ब्रेक कर दो नंबर को। ब्रेक कर दो का मतलब है यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 120, ये हो जाएगा आपका 120। याद रखेंगे 10% इस तरह से निकालना, ठीक है। मान लो आपके पास एक नंबर है, दूसरा नंबर है 540 है, तो इसका 10% निकालना है, 10% ऑफ 540 निकालना है, तो जस्ट यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 54 रुपीज़ हो जाएगा। 540 रुपीज़ का 10% कितना है, 54 रुपीज़ है। नेक्स्ट आपको याद रखना है 1%, 1% संख्या का कैसे निकालें। 1% निकालते टाइम दो अंकों को याद रखें, मतलब इधर से दो अंक के बाद में यहाँ पे पॉइंट लगा दे, नंबर हो जाएगा आपका 12, ये याद रखना है आपको। 1% इज इक्वल टू 12, दो अंक। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 1% की, मुझे बताइए यहाँ पर बैठे सभी विद्यार्थी लोग, 1% कितना है इस नंबर का, 5.4 बोलना है, इस 4 को भूलना नहीं है, 5.4। मैंने बोला था ब्रेक करो, मतलब पॉइंट लगाओ यहाँ पे, 5.4 रुपया, ये आपको याद रखना है 10% एंड 1%। बहुत सारे लेसन्स में आपको माइंड कैलकुलेशन, प्रॉफिट लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, वहाँ पे आप ये दिमाग में चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद में 50% तो आप सबको पता है, आधा। 50% मतलब क्या करना है, आधा कर दो, संख्या को आधा कर दो, कितना होता है 600 हो गया। 25% 25% निकालना है तो क्या करना है, दो बार हाफ करना है, कितने बार हाफ करना है, दो बार हाफ करना है। 1200 का आधा 600, 600 का हाफ 300, दो बार आधा करें, दो बार आधा करना है, आधा, 2 times half, ये आपको करना है। अगर बात रही यहाँ पे व्हाट इज 50%, 50% कितना है, 540 का आधा 270, 270 इसका भी आधा कितना, 25%, जो कि है 135, ये आपको, दिस इज माइंड कैलकुलेशन जो कि आपको याद रखना है यहाँ पर। तो इसको लिखना है शॉर्ट में, तो लिख सकते हैं जल्दी से। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है तो मुझे अभी ओरली बताओ थोड़ी चीज़ें, ओरली आप थोड़ी चीज़ें बताइए एवरीवन। स्टार्ट करेंगे नितिन से, 1400 रुपीज़ हमारे पास है, 10% कितना है इसका, 140, 140, 140 है बरोबर। अतः मला संगा 20% कितनी आए, 20% कितनी आए, व्हाट इज 20%, 20% कितना होगा, वेरी गुड, इसी का डबल करना है, 10% का डबल होता है 280। अगर कोई पूछेगा 30% कितना है, 140 का 3 गुना, 14 3 कितना हुआ, 42, ऐसे आप दिमाग में घुमाना है, समझ में आया। इस नंबर का मुझे बताओ 1% कितना है, 1% मतलब दो अंक यहाँ पॉइंट लगाना है 14। अगर 1% 14 है तो 4% कितना है, 4% कितना है, 14 4 56 56। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, 1400 का 11% कितना है, 11%, 10% कितना है, 140 सर, 1% कितना है, 14, 140 और 14, 154 बरोबर, 154, ये है इसका कितना परसेंट, 11%, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मुझे एक चीज़ बताइए, 1400 का डायरेक्टली बताओ 50% कितना है, 700, 25% कितना है, 700 का आधा 350। दिमाग में जाओ, होटल में जाओगे आप, होटल में जाते हो
या फिर कपड़ा खरीदने जा रहे हो, दुकानदार ने बोला 20% टैक्स दो, GST दे दो, 20%, कितना दोगे? 280 दोगे। सीधा माइंड में करना है, वहाँ पे पेन नहीं निकालना है, सीधा माइंड में करना है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगला सवाल हमें पूछा गया है कि 80 का 60% का 7/8 यह कितना है। वैसे सभी का आंसर आ चुका है, हाँ क्या क्या है, कितना, सभी का अलग अलग क्यों आ रहा है? ये ए बोल रहे हैं, आप सी बोल रहे हैं, ऐसे क्यों? देखो यहाँ पर 80 का मतलब क्या होता है, इनटू लगाना है, इनटू 60% 60/100 का मतलब क्या, इनटू 7/8। अब सीधा कटिंग करनी है नंबर को, 0000 काट दिया, 8 से 8 कट हो गया, हाँ 6/7 का कितना हो गया 42, 6/7 कितना 42, ख़त्म। ऑप्शन बी किसी ने भी नहीं दिया, हाँ इसने ये बोला, आपने सी बोला, ये क्या क्या चल रहा है, हाँ यस। बाकी लोग, तो अगला सवाल हमें पूछा है क्वेश्चन का, 16/3% यह इज इक्वल टू 150 के बराबर है। क्वेश्चन मतलब आप चाहे तो इसे एक्स करके लिख सकते हो, एक्स यस, का शब्द का मतलब होता है इनटू। इसको पहली बात 16/3 क्रॉस में मारो, 16/3 48, 48 में दो को जोड़ेंगे, 48+2 50, 50/3। तो ये हमने मिश्र भिन्न को नॉर्मल एक साधारण भिन्न में हमने बदल दिया 50/3। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, एक 100 आपको डिवाइड करना है। जैसे ही परसेंटेज देखे होगे तो कंपलसरी 100 एक नीचे लगेगा, कोई भी सवाल में देखो 5% मतलब 5 के नीचे 100, इसी तरह इसके ये है परसेंट, तो यहाँ पे 100 कंपलसरी आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। इज इक्वल टू कितना 150 बोला है। अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, x निकालना है हमें, x निकालना है, एकदम बेसिक से करना है, नीचे वाली संख्या को इधर इंटू कर दो, ऊपर वाले को नीचे लेके आओ, एकदम बेसिक से आपको करना है। अगर डायरेक्ट करना है तो 51 ज़ा 50, 53 ज़ा 150, और नीचे वाली संख्या उस साइड जाती है तो क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, क्या होती है, डिवाइड में जो संख्या होती है, डिवाइड में है ना, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 100 है, उधर जाएगा तो वो इनटू हो जाएगा, 3 × 3 × 100 ये होगा, ये इधर गया, 3 के साथ में 3 × 100 हमारा इनटू हुआ 9 और ये 100, x इज इक्वल टू 900, ये है हमारा आंसर। अगर हो सके तो आप थोड़ी चीज़ें दिमाग में याद रखना है तो रख भी सकते हो, क्योंकि देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता था, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, 1/ कितना आता था 6 आता था ना। अगर हो सके ना तो ये लिस्ट आपको अगर याद होती है तो ये थोड़ी चीज़ आप याद रख सकते हो। कौन सी वाली, प्रतिशत और उसका परसेंटेज और उसका भिन्न रूप, प्रतिशत और उसका या फिर भिन्न और उसका परसेंटेज, ठीक है। 1/1 मतलब कितना होता है 100%, 1/2 कितना होता है 50%, 1/3 कितना होता है 33%, 33 1/3 या फिर 33.33 बोल सकते हो, 1/4 मतलब कितना 25%, 1/5 मतलब कितना 20%, ठीक है, 1/6 मतलब कितना 16/3%, डेसिमल में बोलना है तो 16.66, इसको डेसिमल में बोलना है 33.33%, यस 1/7 का मतलब होता है 14/7%, 14/7 या फिर 14.28। आप कोई तो एक याद रखो, इनफ है, कोई भी एक याद रखो, 1/8 इज इक्वल टू 12.5%, जो कि है 12.5%, और 1/9 होता है 11.9%, 11.11 भी बोल सकते हो इसे, और 1/10 का मतलब होता है 10%, ठीक है। तो ये थोड़े परसेंटेज और उनके फ्रैक्शंस फॉर्म जो कि हम यूज़ करते रहते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड सवाल, आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, सिंपल। अब हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पे भी आएंगे थोड़ी देर में। प्रतिशत में, ओके, तो प्रतिशत में आपको कुछ एक 3-4-5 चीज़ें याद रखनी है, मैं फिर से अभी आपको समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर ए आपको याद रखना है, ए बी का कितना प्रतिशत है, बी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है। तो बस ऐसा जब भी सवाल आएगा तो फॉर्मूला इसका जो बनता है वो है ए बाई बी इंटू 100। कैसे याद रखना है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को याद रखेंगे का शब्द के साथ में जो चीज़ रहती है उसको नीचे रखना है। अभी हम आए थे, हमने दो सवाल किए थे, अब तीसरा नंबर सवाल मैं इस आधारित पर लेता हूँ। अगर मैंने लिखा 200 ग्राम डेढ़ केजी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है। अब देखो 200 ग्राम डेढ़ केजी का कितना प्रतिशत है,
200 लेंगे, नहीं तो सबसे बेस्ट एक काम करते 250 कर दो, थोड़ा सा 250 ग्राम। पहली बात, मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल कर रहे हो, यूनिट बराबर होना चाहिए, दोनों यूनिट को सेम करना है। ये 1.5 kg मतलब कितना ग्राम होता है, 1500 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको पहले तो बदलो 1500 ग्राम्स में। अभी भी मैंने क्या कहा था, प्रतिशत निकालना है तो का शब्द के साथ में, का शब्द के साथ में बी था उसको आपने नीचे रखा, का शब्द के साथ में 1500 है तो 1500 को नीचे रखा, हाँ ऊपर किसको रखा, 250 को रखा, इंटू क्या किया आपने 100 किया, 250 आता है 256 नहीं आता तो 0 काटो, 25 से काटो, खत्म। 1/6, थोड़ी देर पहले मैंने दिया था 1/6 मतलब कितना था, 16.66 कितना था, 16.66। याद नहीं है डोंट वरी, डायरेक्ट याद नहीं है तो ऐसे करो, काट दो 6 × 6 बचा 4, 6 × 6 = 36 बचा 4 पॉइंट लगाओ, 6 × 6 = 36 16.66% ये हो गया हमारा आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब ध्यान रखो ये वाले प्रश्न कैसे 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 पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा 16 घंटा, सुनो 16 घंटा दो दिन का कितना प्रतिशत है, 16 को ऊपर नीचे कितना, दो दिन का बोला मैंने, 16 घंटा दो दिन का कितना प्रतिशत है, 16 के नीचे कितना, 48 को नीचे रखेंगे इंटू 100 करेंगे। प्रश्न पूछा जाएगा 20-30 का कितना प्रतिशत है, बोलो 20/30 इंटू 100 आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है का शब्द के इसमें। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है इसी टाइप में, एक कक्षा में दे देंगे, लड़का लड़की मिक्स करके दे देंगे, या फिर ऐसे प्रश्न पहले फिनिश कर देंगे, रुको ये तीन हो गया। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो इसमें आता है, अधिक या कम, अधिक या कम पर आता है प्रश्न पूछा जाता है, पॉइंट नंबर बी पूछा जाएगा, ए बी से कितना परसेंट अधिक या कम है, अधिक कम है। फॉर्मूला आप याद रखना है तो याद रख सकते हो, दोनों को क्या करना है, डिफरेंस करना है, अंतर लेना है, दोनों का अंतर लेना है, माइनस करेंगे। हाँ कोई भी क्वेश्चन हुआ, जरूरी नहीं कि कम बोलने पे ही डिफरेंस करना है, अधिक बोला परसेंटेज, परसेंट के साथ अधिक है, परसेंट के साथ कम है, क्या करना है पहले अंतर, इसका इसका माइनस करना है, डिवाइड बाय क्या, से के साथ में। थोड़ी देर में क्या था पहले, का शब्द याद रखो हिंदी में, का से की का से की का, इसके साथ जो शब्द आते हैं, नंबर्स आते हैं, वो कहाँ रखना है, नीचे। से के साथ में कौन है, बी है, तो बी को नीचे रख दो। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों बी को नीचे क्यों, क्योंकि हम बी से उसको कंपेयर कर रहे हैं कितना ज़्यादा है, तो बी आपका रेफरेंस पॉइंट, नीचे रहेगा, आप सभी जन याद रखेंगे। प्रश्न नंबर चार इस सवाल पर आधारित, मैंने सिंपल सा बोला 120 से कितना परसेंट, बोलो कम है, बोलेगा कोई तो जल्दी, ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शंस भी देता हूँ, ऑप्शंस अगर आपको चाहिए तो ऑप्शंस भी देता हूँ, 16.66%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 40%। ये देख के थोड़े बच्चे बोलते हैं 120, 180, 40 गलत हो जाएगा, 100% पूरा गलत हो जाएगा, याद रखेंगे। हाँ वेरी गुड, 80-120 से कितना परसेंटेज कम है, कम है देखने के लिए दोनों का अंतर लेना है, ए माइनस बी याद रखेंगे, ए माइनस बी बाय बी इंटू 100 ये था। फॉर्मूला नहीं याद रखा तो भी चलेगा, फिर कैसे करेंगे, डायरेक्टली दोनों का अंतर करो, 80 और 120 का अंतर कितना, 40, डिफरेंस करना है दोनों का। हाँ से शब्द के साथ में कौन भैया है, 120 वाले भैया है, से के साथ में कौन जुड़ा था, 120, पीछे वाला जो टाइप था उसमें का शब्द था, का के साथ में उसको नीचे, अब से के साथ में 120 उसको नीचे, इनटू हमने कर दिया 100, 40 × 40 = 43। थोड़ी देर पहले मैंने लिस्ट दी थी 1/100%, 1/2 = 50%, 1/3 = 33%, 1/4 = 25%, 1/5 = 20%, 1/3 मतलब कितना, 33.33%। अगर आपको याद नहीं है तो काटो फिर, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 बचा 1, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 33.33%, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सवाल। तो नेक्स्ट चीज़ है
बढ़ना या घटना, प्रतिशत कितनी बढ़ गई है या कितनी घट गई है, या जनसंख्या आप बोल सकते हो, जनसंख्या वाले हम अलग से करेंगे प्रश्न, दसवें नंबर पे आ जाएगा वो, कितना परसेंट बढ़ रहा है या कितना परसेंट घट रहा है, या फिर आपकी सैलरी। तो उसमें ऐसे याद रखना है, किसी इंसान की सैलरी हो या स्ट्रेंथ हो, 100 वाला भी ले सकते हैं, कितनी बढ़ रही है या घट रही है उसमें कैसे करना है आपको, कैसे फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला की भी कर सकते हैं, मैं दोनों चीज़ सिखाऊंगा आपको। अगर आपको डायरेक्टली याद रखना है तो ऐसे याद रखोगे, नई सैलरी माइनस पुरानी डिवाइडेड बाय पुरानी इनटू 100, दोनों का अंतर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, दोनों का अंतर, यहाँ पे हम रख रहे हैं पुरानी वाली को। ऐसा क्यों पुरानी से शब्द नहीं है क्या, का शब्द नहीं है क्या, यहाँ पे ऐसे देंगे। जैसे हमारे पास नितिन बैठा है यहाँ पे, है ना, नितिन बैठा है, नितिन की सैलरी, मैंने बोला नितिन की सैलरी, नितिन की सैलरी, सैलरी सैलरी 30,000 से बढ़कर, 30,000 से बढ़कर कितनी हो गई रे, ये नितिन देखो यहाँ पर 35,000 हो गई है, 35,000 हो गई है, कितनी परसेंट बढ़ गई है, कितनी, कितना परसेंट, कितनी परसेंट बढ़ी है। तो ऑप्शंस में रहेगा 5% बढ़ा है, 10% बढ़ा है, ठीक है, ये रहेगा आपको, या 16.66% बढ़ा है, या 20% बढ़ा है, बोलो आंसर, या नन ऑफ दीज, कोई और आंसर आ रहा है तो कोई और, कितना वन नहीं है वो 16 है। देखो कि हाउ मच परसेंट इंक्रीज इन द सैलरी, दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, वो पूछा गया है। परसेंटेज इंक्रीज का या बढ़ना या घटना, कोई भी प्रश्न हो, घटने के लिए भी यही फॉर्मूला, बढ़ने के लिए भी यही फॉर्मूला। मुझे बोलो 30,000 से 35,000 कितना बढ़ गया है, 5,000, हाँ, नई माइनस पुरानी जब आप करोगे तो डिफरेंस आएगा 5,000, 5,000 को लिखेंगे नीचे, किसको लिखना है, नया क्या पुराना, हमेशा पुराना को नीचे लिखना है, छोटा बड़ा मत करना, छोटा वाला नीचे बड़ा वाला नहीं, पुराना वाला, कभी कभी घट भी सकता है ना, 30,000 से सैलरी घट गई तो फिर पुराना वाला ही नीचे रहेगा, पुराना वाला, क्योंकि हम बढ़ना या घटना पुराने सैलरी पर ही देखते हैं, 30,000 इंटू 100। जब आपने इसको सॉल्व किया 5,001 5,006, 1/6 की वैल्यू आपको सिंप्लीफाई करने पे 16.66% मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी में ये जो प्रेजेंट है। तो ये था हमारा 5वां सवाल, ठीक है, आई होप ये आपको सारे चीज़ें समझ में आए हैं। एक और करेंगे, फिर उसके बाद में सारे सवाल हम करते रहेंगे, जैसे कि जनसंख्या पर आधारित, शादी में इतने लड़के इतने लड़कियाँ, चुनाव पर आधारित प्रश्न भी होगा, सारे प्रश्न एक बाय एक देखते रहेंगे हम। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब सीधा आगे की तरफ, जैसे मैं बोलता हूँ यह कक्षा में अब किसी भी चीज़ का, किसी व्यक्ति का परसेंटेज निकालना, जैसे कि कक्षा में सवाल नंबर 6 ना, यस, कक्षा में नित, यस मिस्टर राम, आपके कक्षा में कितने लड़के और लड़कियाँ थी वैसे, 40 लड़के थे, 40 लड़के और 35 लड़कियां थी क्या आपके क्लास में, लड़कियां थी। अब प्रश्न, प्रश्न अभी ये नहीं है, आपको किसका प्रतिशत निकालना है बोलो, आपको लड़कों का प्रतिशत जानना है या लड़कियों का, किसका जानना है, लड़कियों का जानना है, लड़कियों को जानना है, ठीक है। ये देखो मिस्टर राम है, कहाँ से आए हैं, बिदर से आए हुए यहाँ पर, इन्हें लड़कियों का परसेंटेज जानना है, लड़कियों का प्रतिशत कितना है, लड़कियों का प्रतिशत इनके कक्षा में कितना था, आज तक पता नहीं था ना आपको लड़कियाँ कितनी परसेंट है क्लास में, अब पता चलेगा आपको कितने लड़कियाँ क्लास में परसेंट में थी। अब करना है आपको एक चीज़, हमेशा हमें निकालना है लड़कियों का, गर्ल्स का, गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है, तो लड़कियों को ऊपर नीचे टोटल को लिखना है, नहीं 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 बॉयज़ नहीं लिखना है, नीचे हमेशा टोटल रहेगा। हम परसेंटेज पूरे कक्षा में से निकाल रहे हैं, पूरे कक्षा में से निकाल रहे हैं, पूरे कक्षा में लड़कियां का परसेंट कितना है, तो ये नीचे रहेगा इनटू 100। लड़कियां कितनी है, 35, लड़के टोटल कितने हो गए, 75 हो गए, इनटू 100 कर दिया, 25 का टेबल आता है, 25 इंटू 4 काट दिया, ये नंबर कट गए, 30 अभी देखो कटता नहीं, 35 इंटू 4 करो,
35 × 4 = 140 होगा, 35 × 4 = 140 होगा, डबल डबल दो बार किया मैंने, डिवाइड बाय 3, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, दो बचा, 3 × 6 = 18, दो बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 × 6 = 18, 6 × 18, 46.66% ये है आपके कक्षा की लड़कियाँ, समझ में आया? आप भी निकालो आपके कक्षा की, ठीक है ना, ये याद रखना है, हाँ, यूनिटरी से भी कर सकते हो, वेरी गुड, फैंटास्टिक, यूनिटरी मेथड से, बिना फॉर्मूले वाले ना, यस, बिना फॉर्मूले से आपको ये करना है, बिना फॉर्मूला मेथड, टोटल को हमेशा कितना परसेंट मानना है, 100% लेना है, परसेंटेज में कोई भी सवाल हो जिसमें टोटल, अगर टोटल को ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन होने दो, टोटल को हमेशा 100% ही समझना है, टोटल को 100% समझना है, मतलब टोटल यहाँ लड़के लड़कियाँ मिलाकर कितने हैं, 100% है, लेकिन इधर कितने हैं, 40 और 35 मिलके कितने, 75 टोटल है, 75 मतलब 100% क्यों, क्योंकि ये भी तो टोटल है, टोटल को टोटल के परसेंट के साथ मैच किया, निकालना है लड़कियाँ, लड़कियाँ कितनी है, 35, तो 35 का मतलब कितना परसेंटेज, इसको इससे गुणा, 35 × 100 / 75, सेम आएगा, 35 × 100 / 75, 46.66% ये है यूनिटरी मेथड जो आपको याद रखना है, 46.66% ऐसे भी आप कर सकते हो, कभी कभी आप घूम ये हो गए, याद रखिए ये चीज़। प्रश्न पूछा जाएगा, गणित में 60 मार्क लिए, अंग्रेजी में 80 मार्क लिए और एक सब्जेक्ट में इतने मार्क लिए, उस विद्यार्थी का परसेंटेज कितना आया, आपको क्या करना है, उसके मार्क, उस लड़के ने कितने मार्क लिए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क, टोटल मार्क मतलब मैथ्स के, साइंस के और जो भी है इंग्लिश के, तीनों के मिलाकर, इनटू 100, नीचे हमेशा टोटल को लिखना है, जैसे आप एग्ज़ाम में जा रहे हो, 10th आपके 6 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट का टोटल नीचे लिखते हो और आपने कितना मार्क लिया है वो ऊपर लिखेंगे, इनटू 100 करेंगे, तब आपका परसेंटेज आएगा। यूनिटरी मेथड से ऐसे कर सकते हो, आपके स्कूल में टोटल मार्क कितना था रे अभी, 625 मतलब 100%, आपको कितना मिला, 400 मिला, हाँ ठीक है, 400 से अधिक मिला, जितना मिला उतना आगे सामने क्वेश्चन मार्क, खत्म, ये आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। 7th नंबर का सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है सभी। अब तात्या यहाँ पे अग्निवीर बन जाएगा, ठीक है। तात्या जब आप होने के बाद आपके घर में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी परीक्षा पास करना है, अगला ध्येय क्या होगा, हाँ, किसको शादी करना है, तो तात्या की शादी हो रही है, ठीक है, शादी में, ठीक है, अब बताओ कितने महिला को बुलाओगे, कितने पुरुष को बुलाओगे, बताओ, बोलो रे, कि किसी शादी में, ठीक है, 500 लेडीज थे, लड़कियां और लड़के, बस ठीक है, 500 लड़कियां ले लेंगे हम, 500 लड़कियां थे, ठीक है, 500 लड़कियां थे, और ध्यान से सुनो सभी जन, और 80% लड़के थे, तो तात्या के शादी में, ठीक है, कितने, नहीं कोई भी प्रश्न आएगा, तात्या के शादी में टोटल कितने थे, सभी मिलाकर कितने लोग आए थे 2005 से, ठीक है, या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कितने लड़के थे, लड़कों की संख्या आप बताओ, बोलेंगे लड़के कितने थे, प्रश्न कोई भी आ सकता है, बस कुछ नहीं करना है, प्रतिशत का कोई भी सवाल हो, मैंने बोला कि 100 से स्टार्ट कर दो, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कोई कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे 100 से क्वेश्चन को स्टार्ट करो, टोटल इज इक्वल टू 100%, अब 100% है मिस्टर तात्या, इसमें बॉयज़ है और गर्ल्स है, अब किसका परसेंटेज आपको पता है, लड़कों का, लड़के कितने हैं, 80% है, लड़के हैं, 80% लड़के हैं शादी में, और लड़कियां कितनी होंगी, 100 में 80 आ गया तो लड़कियां कितनी, 20% होगी, तो 20% को हमने लिखा यहाँ पर, अब यूनिटरी मेथड आपको लगाना है, यहाँ पे लड़कियां है 500, यहाँ पे लिखा है 20% का मतलब है 500, 20% का मतलब है 500,
20% का मतलब 500, तो दोनों मिलाकर कितने, 100%। टोटल हमेशा 100 होता है। 100% मतलब कितना, यह मतलब कितना। अब इसको बेसिक मेथड से पहले समझाता हूँ, फिर डायरेक्टली करेंगे हम। बेसिक मेथड है इसका, जब भी इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड, इसको इससे बेसिक तरीका, 100 को 500 इंटू करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ कर दिया, इसको इससे गुणा, डिवाइड बाय 20, ये है बेसिक। 21 जा 25 जा 55 जा 25 और 00, ये है हमारा आंसर। टोटल लड़का लड़की मिलकर 2500, 2500। डायरेक्ट काटना है तो डायरेक्ट ऐसे काटो, 21 जा 25 जा, 20 एक 20, 20 इंटू 5, 5 को 500 से गुणा कर दो, 2500 हमारा आंसर आएगा। ये यस वर्मा, अब बताओ अगर लड़के निकालने थे तो क्या करते थे आप? लड़के मत निकालने थे तो क्या करते थे? लड़के कितने, 80 है, 100 की जगह 80 को रखो, 80% मतलब कितना, 21 जा 24 जा 4 इंटू 5, 2000, ऐसे आ जाएगा। आई होप ये सवाल सभी को समझ में आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पुरुष महिला बच्चे ऐसे भी दे सकते, कभी कभी तीन कैटेगरी भी आ सकती है, एक ही शादी में पुरुष आए इतने। देखो ओरल क्वेश्चन, शादी में हाँ 60% पुरुष है, 60% पुरुष है, 30% महिलाएं है, और 30 लड़के हैं, तो 60% पुरुष 30% महिलाएं, तो बचे कितने, 10%। लेकिन वहां पे नंबर कितना था, 30, 10% मतलब 30, तो 100% मतलब कितना, ये चीज याद रखेंगे वैसे आप कर सकते हो। तो इस तरह से सेम टू सेम इसी का यही पैटर्न चुनाव पर आधारित प्रश्नों में भी यही पूछा जाता है, ठीक है ना? तो चुनाव पर आधारित प्रश्न भी देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव में विजेता को 60% मत प्राप्त हुआ और वह 12,000 मत से जीता। एक एडिशनल कर सकते हो, चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कितने थे, टू कैंडिडेट्स थे, कैंडिडेट इंग्लिश में है, उम्मीदवार आएगा हिंदी में, दो कैंडिडेट है, ठीक है, किसी भी पार्टी का ले लो आप। ये विजेता को जो विनर हुआ उसको 60% का मत मिला है और वह 12,000 मत से जीता। आपने देखा होगा टीवी में लीडिंग करके आता है, लीडिंग या फिर इतने अधिक, हिंदी में क्या कहते हैं या फिर मराठी में क्या मिलता है, क्या मिलता है हिंदी में क्यों मराठी में, न्यूज़पेपर थी हिंदी में, इंग्लिश में तो कहते हैं लीड, नहीं अधिक कैसा दिखता है ना, लीड पे चल रहा है ऐसे। इसका मतलब ये होता है 12,000 मत मतलब विजेता को नहीं है, वह हारने वाले से 12,000 ज़्यादा पर है। हारने वाले को अगर 50,000 मिला है तो जीतने वाला कितना, 50 से 12,000 ज़्यादा, ये होता है मीनिंग। तो प्रश्न को शुरुआत कैसे करनी है, यस नितिन यहाँ पे देखो सभी, टोटल को हमेशा 100% लेना है। इस 100% में दो टाइप के लोग हैं, एक है विनर है, एक है हारने वाला, लूज करने वाला, आप विजेता और हारने वाला लिख सकते हो। विजेता को 60% प्राप्त हुआ तो इसको कितना परसेंट प्राप्त हुआ, 40% प्राप्त हुआ। चुनाव के कोई भी प्रश्न में, ऐसे वाले प्रश्नों में याद रखना है, हमेशा ये जो 12,000 मत से जीता इसका मतलब क्या है, उनका अंतर है, हारने वाला और जीतने वालों में का अंतर 12,000 का है। विजेता बोल रहा है मैं तुमसे 12,000 ज़्यादा पर हूँ, ज़्यादा रेट, ज़्यादा नंबर हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उन दोनों का अंतर लेना है। सीधा याद रखो, ऐसे प्रश्न आते हैं तो विनर एंड लूजर का आपको लेना है अंतर, 60 और 40 का डिफरेंस है कितना, 20%। ये जो 20% है ये 12,000 है, 20 का मतलब 12,000, हमने लिखा 12,000, टोटल मतदान कितने हुए थे, 100%, 100 को कितना, ये याद रखना है। 20 को आप सीधा कट करना है तो सीधा काट सकते हो, 0 से 0 काटा, 2 1 2 6 0 0 0, क्रॉस मारो, जब आप क्रॉस मारोगे 600 × 100 इधर आएगा 60,000। अगर आपको कभी भी इसमें कन्फ्यूजन हो रही है, कटिंग नहीं हो रहा, नंबर क्या नहीं हो रहा, तो 100 इंटू क्रॉस में इंटू करेंगे 12,000 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0, 12 1 2 6 0 0 0 क्रॉस मारेंगे इंटू करेंगे 60,000 आंसर आएगा। ये था टोटल, टोटल चुनाव में हुए मतदान 100 थे। प्रश्न कभी कभी ये भी आ सकता है क्या कि 100 चुनाव में चुनाव हुआ लेकिन 10% मत बोगस हो गए, अप्राप्त, क्या बोलते हैं उसको हम, इनवैलिड बोल दिया, मतलब बोगस्ट हो गए। अब बच गए कितना आपके, 90 मत बच गए। अब 90 में से वो आगे करना पड़ता है,
वो इसका एक एक्स्ट्रा आता है। तो कम ऑन, इसको नोट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजय बबन से 20% अधिक है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंटेज कम है। वेरी गुड, बहुत गुड, यस। तो ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंटेज कम है, ठीक है। अलग अलग मेथड है इसके, बहुत सारे, 1, 2, 3 मेथड है, लेकिन अभी मैं एक ही मेथड आपको समझाऊंगा इसको कैसे करना है। डायरेक्टली इसको याद रखो, बेसिक मेथड अगर आप कर रहे हो तो ये ऐसा है, बेसिक मेथड अगर आप कर रहे हो तो ऐसा होता है कि बब्बन को ही हमने बोला कि बब्बन 100 होगा, तो अजय क्या होगा, अजय 120 होगा, 120 होगा। बी अगर 100 है तो ए 20 अधिक मतलब 120 है, तो बब्बन अजय से कितना कम है। हमने क्या देखा, बब्बन अजय से 20 कम है, 20 कम है, बब्बन अजय से 20 कम है, लेकिन परसेंटेज कम जब हम निकाल रहे हैं, परसेंटेज कम, तो 20 कम को ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय पूरा, किससे कम है, बब्बन अजय से, प्रश्न में क्या बोला है, से के साथ में कौन है, अजय, तो अजय को नीचे रखना है, इंटू 100 करना है, 21 26, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16.66। ये आपको नहीं समझ में आया था, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, हाँ, तो प्रश्न ऐसे प्रश्नों में पहले इस पर देखना है आपको, 20% अधिक है बोला है, 20% अधिक और यहाँ पर कितना परसेंटेज कम है, सिर्फ फोकस करो पहले सेंटेंस पे, पहले वाक्य पे ही ध्यान आपका होना चाहिए, पहले वाक्य में बोला है अधिक, तो आपको कुछ नहीं करना, x लिख कर 100 में इसी x को जोड़ देना है, इंटू 100। ये x क्या है, यह प्रतिशत है, x क्या है, यह आपका प्रतिशत है। आपने क्या देखा, 20% अधिक, अधिक मतलब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्रश्न ऐसा उल्टा होता था, अजय बबन से 20% कम है, तो यहाँ पे माइनस, पहले वाक्य में अधिक है तो प्लस लगेगा, पहले वाक्य में कम है तो माइनस लगेगा, पहले वाक्य में ही देखना है, बाकी दूसरे में मत देखो, पहले में अधिक तो प्लस, पहले में कम तो माइनस। अब हमने लिखा 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20, 120 इंटू 100, 21 26, 1/6 इंटू 100, सिंप्लीफाई करने पर 16.66% आंसर आ जाएगा आपका, खत्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं एडिशनली आपको बता देता हूँ, जल्दी से करो। अब अगले वाले सवाल में यहाँ पर अगर वही क्वेश्चन 20% वाला ही है, लेकिन अगर आपने 16.66 दिया तो ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे बोला है वही कि सैलरी 20% कम हो जाती है, कितनी परसेंट बढ़नी चाहिए। यह सवाल जो 9th और 10th नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कैसे याद रखेंगे इसको, एक में बढ़ेगा तो एक सेंटेंस में, सेकेंड सेंटेंस में घटेगा, सेकेंड में घटेगा तो नीचे वाला बढ़ेगा, ज़्यादा तो नीचे कम, कम तो नीचे ज़्यादा, परसेंट में याद ये रखेंगे। दूसरे को मत देखो, सिर्फ पहले वाले को देखो, क्या लिखा है, कम, तो x लिखकर 100 में से x को घटाओ। ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 100 में से इसको क्या किया था, प्लस किया था, और यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि ये कम है, इंटू 100। ये हमने लिखा 20, 100 माइनस 20 80 इंटू 100, 21 24, 1/4 की फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 25% होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। तो अगला सवाल जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10, गांव की जनसंख्या पर आधारित। अब ये जनसंख्या पर आधारित और जो प्रश्न देखते हैं हम, वेरी गुड, आप सभी ने निकाल भी दिया है, जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, इसी का ही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, प्रतिशत और कोई भी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन हो, जैसे कि वर्ग का, घन का, वृत्त का, जो परसेंटेज के साथ जुड़ा है, ये सेम कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे भी लगाना है। क्या है कॉन्सेप्ट देखेंगे, यहाँ पर देखो, अभी से आगे की पॉपुलेशन निकालनी है, अभी की दी है उन्होंने कितनी, 8000 रुपया है, 8000 रुपया उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, 8000 रुपया नहीं है, 8000 गाँव की जनसंख्या है, हर साल कितनी बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है, तो 10% से बढ़ रही है, कितने साल के बाद चाहिए हमको, 2 साल के बाद, 2 बार 100 को लिखो यहाँ पर नीचे, 2 बार इस 100 को नीचे लिखो, हाँ लिख दिया,
अगर 3 साल बोला है, 3 ईयर्स का क्वेश्चन है, तो और 100 एक्स्ट्रा रहेगा। अब यहाँ पे आपको देखना है बढ़ रहा है बोला है, बढ़ रहा है तो 100 में 10 को प्लस कर दो, 100 में 10 को प्लस कर दो, 110 होगा। अगर यही क्वेश्चन मिस्टर येलापा आपको पूछेगा कि 10% से घट रहा है, माइनस करेंगे 90 को लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये फाइनल पॉपुलेशन आपकी, जो फाइनल मतलब 2 साल के बाद में ये हो रही है, 1 2 काटे, 2 0 काटे, 2 0 काटे, 2 0 काटे, 4 0 कट, 4 0 कट, 11 × 11 121 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। ये हुआ 8 × 16 = 8, अरे 8 × 8 = कोई ज़ीरो रह गया, हाँ इधर वाला ज़ीरो रह गया है, हाँ एक ज़ीरो रह गया है, तो एक ज़ीरो इधर आया, फिर 8 × 8 = 8, 8 × 8 = 16, 8 × 8 = 9, 9680 ये होगा जनसंख्या आफ्टर 2 ईयर्स। ध्यान से रखिए, पहले आपको जनसंख्या लिखनी है 8000, 2 साल का सवाल है तो 2 बार 100 को लिखना है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो 100 में 10 बढ़ाओ, 20% से बढ़ रही है तो यहाँ पे 120 लिखेंगे, 30% बढ़ रही है तो यहाँ पे 130 लिखेंगे, अगर 30% कम हो रही है बोला तो यहाँ पे 100 - 30 मतलब 70 आएगा, ये चीज़ याद रखनी है। यह सेम टू सेम टेक्निक आपको यूज़ करनी है, प्रतिशत और वर्ग, घन, वृत्त, क्यूबॉइड, घनाभ, सिलेंडर, बेलन, सारे सवाल में यही चीज़। सक्सेसिव डिस्काउंट आता है, क्रमांकित लगातार छूट, 10% और 20% और 30% की लगातार छूट, यह टोटल छूट कितनी होगी, यही कॉन्सेप्ट लगा। चक्रवृद्धि ब्याज वाला कोई भी सवाल हो, ये कॉन्सेप्ट आप लेके कर सकते हो। मूलधन जो भरा है ना पैसा आपने, मूलधन पी प्रिंसिपल चक्रवृद्धि में, वो यहाँ पे लिखो। बैंक आपको कितना देता है, 5% दे रहा है समझो, तो 100 के ऊपर 105, कितने साल, अगर 3 साल पैसा जमा किया है, 100 के ऊपर 105, चक्रवृद्धि में ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। वहाँ से आपका मिश्रधन 3 साल के बाद में कितना होता है वो निकाल सकते हो। यही प्रश्न अगर चक्रवृद्धि में पूछेगा तो पूछेगा कैसे, देखो यहाँ पर, कोई व्यक्ति 8000 रुपये की धनराशि बैंक में जमा कराता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा कराता है, यदि ब्याज दर 10% वार्षिक है तो 2 साल के बाद उसे कितना प्राप्त होगा। 8000 रुपये का मूलधन लिया, प्रिंसिपल ले लिया, 8000 रुपये का लिख लिया, 2 साल के बाद में कितना मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट लगा के भी सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये मेथड भी लग जाता है वहाँ पर। तो ये था आपका क्वेश्चन जनसंख्या पर आधारित। अगला सवाल जो हमें पूछा गया है कि गांव की जनसंख्या हर साल 20% से बढ़ती है और वो 70,000 हो जाती है, बढ़ के आपके गांव की जनसंख्या 72,000 हो गई, तो 2 साल पहले कितनी थी। लास्ट वाले सवाल में क्या पूछा था, 2 साल के बाद में, लास्ट वाले सवाल में पूछा था कि फाइनल कितना है, फाइनल यह कितना है। फॉर्मूला हमारा वही था कि फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इनटू डैश 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 में, तो 100 100 वाला फाइनल इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है पुराना वाला। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे पता है, फॉर्मूले को ऐसे याद रखो, फाइनल मतलब आगे का और ये पीछे का, पुराना पुराना और ये नया, ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रखो, नया इधर आएगा, पुराना इधर आएगा, अब ज़रा सा ध्यान रखो। नहीं तो दो तरीका बताता हूँ आपको, इधर से ऐसे ही करना है तो इस टाइप से करो, दूसरा तरीका चाहिए तो बता देना मुझे, मैं दूसरे वे से भी बता दूंगा। 72,000 हो जाती है मतलब क्या हो गया, 72,000 क्या है, फाइनल में है या इनिशियल में, आगे जाके ना, नहीं बढ़ के फाइनली कितनी हो गई है 72,000, ये इधर लिखनी है। पुरानी वाली जब भी फाइंड करनी है आपको, पुराना वाला निकालना है तब पुराना वाला यहाँ पर आपको एक्स इधर लगाना है। अगर कोई जनसंख्या दी जाती है, जनसंख्या देने के बाद में आपको पूछा जाता है कि पहले कितना था, आगे का देकर पीछे का पूछा है, बोलेंगे कि आगे 5 साल के बाद में इतना है तो अभी का कितना है, आगे का देकर पीछे का पूछेंगे तो यहाँ पर एक्स को लगाना है पुराने वाले में, और जो भी दिया है आगे जाके कितना वो यहाँ पर रखो। अब आगे का प्रोसेस सेम है आपका, 2 साल का सवाल है ना तो 2 बार 100 को लिखना है, 2 बार 100 को लिख दिया, और क्या है 20% से बढ़ रहा है बोले तो प्लस करो 120, और ये भी है 120, 0 0 0 0 काट दिया, ये 0 और ये 0 को काट नहीं सकते, इस 0 को और इस 0 को काट नहीं सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या ये नंबर इस साइड इनटू कर दो, ऊपर वाले नंबर इधर आ जाएंगे,
पता है, चल गया ना, डिवाइड वाला टर्म इस साइड आता है तो इनटू में चला जाता है, किस में जाएगा, इनटू में चला जाएगा, इनटू 100। और ये मल्टीप्लाई वाला टर्म है, मल्टीप्लाई इनटू इनटू, इधर आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया 12 और डिवाइड हो गया 12, और इस साइड इक्वल टू के इस साइड बच गया x। समझ में आ रहा है, ये वाला समझ में आ रहा है? तो 12 से काटो, 12 12 12 6 72, 0 0 0 काट दिया, 12 12 12 5 60, 0 0, इसको इसको इनटू करो, 5 1 2 1 2, 50,000। ये है आंसर फॉर द क्वेश्चन, 50,000। ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा टेक्निक चाहिए तो मैं बता देता हूँ, यही ठीक है? दूसरा टेक्निक मतलब 100 को ऊपर लिखो, बाकी के नीचे रखो, नहीं चाहिए वो, यही करना है तो यही करो फिर, ठीक है? तो याद रखेंगे ये प्रश्न, अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन, उसके साथ में यहाँ पे क्या आ चुका है, परसेंट के साथ में आयत है। आयत मतलब इस तरह का फिगर है, ये है आयत, जिसमें लंबाई एल होती है, चौड़ाई को हम बी बोलते हैं, ठीक है? इसमें क्षेत्रफल बोला है कि इसकी लंबाई भी हमने 50% कम कर दी, चौड़ाई भी हमने क्या कर दी, 40% कम कर दी। तो प्रश्न पूछेगा कि क्षेत्रफल में कितना परसेंट का कमी होगा। पहली बात, आपको सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए, सारे सूत्र आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है? वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज हाँ डी वन इंटू डी टू, और एक होता है कौन सा वाला चतुर्भुज, हाँ उसका नाम क्या है, पैरलोग्राम इंग्लिश में कहते हैं, दूसरे वाले को उसका सम चतुर्भुज, हाँ सम चतुर्भुज या क्या कहते हैं उसको, अभी एक प्रश्न मैंने एक ग्रुप में भी आपके भेजा था, देखो ये वाला समांतर चतुर्भुज है ना, यस। एक होता है रोम्बस, एक होता है पैरलोग्राम, तो बेसिकली सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ठीक है? घन का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, रोम्बस का फॉर्मूला हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, पैरलोग्राम का होगा तो बेस इंटू हाइट, अगर क्यूब का होगा क्वेश्चन, घन का होगा तो वॉल्यूम उसका ए क्यूब, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। कॉन्सेप्ट वही रहेगा सेम टू सेम, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल इंटू डैश 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 डैश। यहाँ पे शुरुआत के इसको कितना लेना है, 100 लेना है, याद रखेंगे। यहाँ पर ये जो आयत था इसका एरिया किससे था, एरिया इज इक्वल टू क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। कितने बार आए ये फॉर्मूला में, एक ये एक बार, ये एक बार, ये दो आए, तो दो चेंज, दो बार चेंज होगा हमारा परसेंटेज, ठीक है? तो दो बार 100 को लिखना है, ये लिख दिया, 50 से घटा दिया जाए, 100 में से माइनस कर दो 50 कर दिया, 40 से घटा दिया जाए कितना होगा 60 होगा, 51 52 काट सकते हो, 0 0 कट किया, 0 0 कट किया, 2 1 2 2 3 6 2 0 0, आंसर 30 नहीं बोलना है, आंसर 30 नहीं बोलना है, पहले 100 था, पहले ये 100 था, अभी ये होकर कितना हो गया 60 हो गया है, तो कितना कम हो गया आपका, 40 सॉरी कितना हो गया अभी, 100 नहीं, 60 नहीं हुआ अभी, कितना हुआ 30 हुआ, 100 से 30 मतलब देयरफोर 100 माइनस कर दो, ये हो जाएगा हमारा 70% कम हो जाएगा, 70% कम हो गया, ये होगा आपका आंसर फॉर द क्वेश्चन। वृत्त का सर होगा, क्वेश्चन होगा वृत्त का, सर्कल का, सर्कल वाले में फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितने बार आएगा, दो बार आएगा, दो बार 100 को लिखना है, याद रखेंगे ये सारी चीज़ें, बाकी की मैं अपलोड कर दूंगा बाकी चीज़ों में, तब तक देखते रहिए और बने रहिए, यस ठीक है, चलिए बाय बाय।